जैसे प्रयागराज का दौरा किया और प्रयागराज से अपना चुनावी प्रचार शुरू किया और गंगा यात्रा की, गंगा स्नान किया और गंगा की पूजा की, क्या उस तरह प्रियंका गांधी आएगी मध्य प्रदेश में? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे की चुनावी रण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार लोगों की अपील है प्रियंका गांधी को बुलाने की मध्य प्रदेश में। जिस तरह प्रियंका गांधी ने वोट पे वोट और चुनाव प्रचार शुरू किया है, क्या उसी तरह प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आएगी? जिस तरह प्रयागराज से वोट में वेट करने के लिए प्रियंका गांधी ने लोगों से वोटों की अपील की, क्या उसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी लोगों से वोटों की अपील करेगी? जिस तरह प्रियंका गांधी प्रयागराज में गंगा स्थल पर पहुंची, क्या उसी तरह प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में नर्मदा स्थल पर पहुंचेगी? देखिए इस खास रिपोर्ट में कि लोगों की अपील है कि क्या प्रियंका गांधी भी आए मध्य प्रदेश में, प्रियंका गांधी को क्या आना चाहिए मध्य प्रदेश में और क्या प्रियंका गांधी आएगी मध्य प्रदेश में। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दो दिन प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज के दौरे पर रहे, उन्होंने गंगा स्नान किया, गंगा आरती थी और गंगा स्थल में जाकर गंगा नदी में बोट की सवारी से लोगों के लिए वोट के लिए अपील की। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता की अपील है कि प्रियंका गांधी जिस तरह प्रयागराज में वोटों की अपील के लिए गई, उसी तरह नर्मदा तट पर भी आए और नर्मदा सवारी कर इंदौर में भी प्रचार प्रसार शुरू करे। देख सकते हैं तस्वीरें कि किस प्रकार प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में चुनाव प्रसार किया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.